Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Example 1.1, class 9th chemistry. How many protons and neutrons are there in an atom having A is equal to 238 and Z is equal to 92? First of all, hum data jo hai wo rewrite karenge solution mein. A is equal to 238 और Z is equal to 92. Number of proton हमने find out करने हैं और number of neutron. Number of ये जो आपको हमने number of proton find out करने हैं, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं कि हमें A जो है वो दिया गया है. ये A आपको याद होगा, हमने कहा था A जो है वो हमारे पास Z plus N है, मतलब number of proton and number of neutron. मतलब हमारे पास ये जो है ये सम है, टोटल है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन का और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन का, जिसमें से Z नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, इसको हम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन कहेंगे, वो 92 है. मतलब ये कि इस टोटल में से, जब हम देखें ना, हमारे पास A हमने खुद कहा पीछे पढ़ा था कि Z प्लस N इज़ इक्वल टू A. अगर हम इसमें से Z माइनस कर देंगे तो हमारे पास N जो है वो ऑलरेडी आ जाएगा. हमारे पास A जो है वो 238 है और इसमें से अगर हम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन को माइनस कर देंगे, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन हमें खुद बता दिए गए हैं कि 92 जो है वो Z का मतलब है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, वो हमें 92 दे दिए गए हैं. जब हम इस 238 में से नंबर ऑफ़ प्रोटॉन माइनस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बच जाएंगे. ये सोल्यूशन भी देख लें इधर. नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन इज़ इक्वल टू A माइनस Z, मतलब टोटल में से जो है हमने मास नंबर में से हमने जब हमने प्रोटॉन्स निकाल दिए तो हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स बच गए. ये हमने मास नंबर लिया, मास नंबर टोटल हमारे पास था 238, उसमें से हमने प्रोटॉन्स निकाल दिए, अब बाकी हमारे पास जो है वो क्या आंसर आ गया, न्यूट्रॉन्स.